अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी जो है सुबह सुबह उठी हूँ और बस अभी नाश्ता करने का सीन है और देखते हैं कि अभी क्या क्या करती हूँ। अभी तो स्टार्ट है व्लॉग और बस मैं कुछ है नहीं करने को और जूता देने आज ईद का हमारे लिए तो वही बैक टू वर्क का दिन है भाई। सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर कर लो और डू लाइक शेयर को एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है मैं करती हूँ तो ये भी कर दो जाओ जी। तो मुझे अभी जाना किचन में और मैं जल्दी से जाके वहाँ कुछ ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करा लेती हूँ और सो चलो चलो। ये ना बस कुछ ना कुछ नुकसान करवा लेती है। हाथ दो जरा, कमजोर हो गई हो तुम, अब तुमसे चला भी नहीं जा रहा। देखो इतना बुरा लगा है, मैं क्या हो गया है तुम्हें? अरे इधर को कर लो, टांग हो गया है। देखो बिल्कुल ठंडी टांगे पड़ गई हैं। ये ऐसा नाश्ता भी नहीं किया, क्यों किया ऐसा तुमने अपने साथ? नाश्ता बनाने के चक्कर में ऐसी हो गई ब्लॉग के चक्कर में। ये सारे दिन ना कुछ खाती है ना पीती है, बस इस चक्कर में रहती है। परेशान हो गई मेरी बच्ची इतनी इसके चक्कर में, आप लोग इसे प्यार दें, इसको आगे ले जाएं ताकि सुकून आए इसकी ज़िंदगी में। इसका ये मिशन बन चुका है ज़िंदगी का, बस ये कह रही है कि किसी तरह मेरे 100 हो जाए। 100 के कर दें आप इसके, 100 के हो जाए इसके, 100 के कर दें ताकि ये बच्ची भी सुकून में आ जाए। ये भी पाकिस्तान की बच्ची है, जैसे आप और लोगों को प्यार देते हैं इसमें भी प्यार दें ताकि ये आगे जाए। अब देखिए उसने अपनी टांग पर क्या हाल कर लिया ना, नाश्ता लगता लगता कि ऐसे बैठोगी तो फिर कैसे होगा। और यही है नाश्ता कर लो, नाश्ता करेगी वीक हो गई है बहुत, जल्दी जल्दी कर गई इसलिए। इनसे वैसे ही बहुत मैं कुछ खा गई, मेरी उंगली में इतनी चोट लगी थी वैसे। अब ये भी अभी मम्मा की उंगली में चोट लग गई थी, इतनी आज हम देर से सोचे उठे वैसे इतने थक गए थे 3 दिन बस थाक 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 थाक। जबकि हमारे घर कोई कुर्बानी नहीं हुई, कोई रिश्तेदार नहीं आया हमारे घर, बस हम चार इंसान भी आपस में थक गए टकराते। आम दिनों में इंसान जो दिल होता है ना, दिमाग होता है ना, वो ठीक रहता है। और वैसे ऐसे दिन होते हैं ना, बड़े दिन आते हैं ना ईद वगैरह, तो माँ बाप याद आते हैं, शौहर याद आता है, हर चीज़ याद आती है। लेकिन है ना वो ये ना कि बस ज़िंदगी को ऐसे गुजारना होता है और ये लोग इसमें लगी रहती ये सीने में, इसमें इसमें बच्चे हैं कि भाई मैं ये कर। Are you all right? थोड़ा सा जो है ना यार ये छिल रहा है और इसमें दर्द भी काफ़ी हो रहा है और यानी पता नहीं चला मैं कैसे भी हो गई, कब के हो पता नहीं चला, दर्द हो रहा है काफ़ी। बट मैंने पेन किलर, डॉक्टर के चले पेन किलर ले लिए मैंने, नहीं कहो तो डॉक्टर के चलते नहीं क्या नाश्ते के, मैंने पेन किलर लिए तो मैं ज़रा थोड़ा पहले ब्रेकफास्ट करना होगा आपको, फिर आप व्लॉग स्टार्ट कर सकती हैं। आप सब पहले तो रेस्ट कर लेते, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हो तो आप थोड़ी देर में मिलती हूँ। सही है, सब मैं जा रही हूँ थोड़ा अभी सो गई थी, अब उठी हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि आप ये लोग तो मुझे नाश्ता दे देंगे बट मैं ना बहुत चूजी हो तो जो मुझे सुन जाती है बस वही खाऊंगी मैं। और हिम्मत भी नहीं यार, अच्छी खासी लग गई है लगता है ना, अभी ना मैंने ब्लॉग खराब हो गया, बस मुझे ये गुस्सा आ रहा है। अच्छा खासा चल रहा था, सुबह सुबह पता नहीं क्या हुआ एकदम से मेरा पैर को क्या हुआ, मैं कहाँ जल्दी लगी मुझे पता भी नहीं चला, बताओ क्या हुआ। बहुत बुरी गिरी हो तुम, जरा अपना ख्याल रखा करो थोड़ा सा, इतना भी ब्लॉग के चक्कर में मतलब क्या
इसको ना लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और 100K कर दें ताकि ये जन्म की जो है ना थोड़ी काम डाउन हो जाए। तो अभी मैं ये गर्म करती हूँ और नाश्ते के मामले में बहुत चूजी हैं आप, इसलिए आपको कुछ दे नहीं पाता। सो बस मैं सोचा कि यही नाश्ता कर लेती हूँ और जो है ना ज़्यादा उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, और पेन किलर वैसे भी है, दर्द थोड़ा कम है बट कोई नहीं यार। मैं अपनी ब्रेड खा लेती हूँ और मुझे जो मेरा नाश्ता होता है वो कर रही हूँ। दैट्स इट। नाश्ता कर लिया है मैंने, मैं थोड़ा और सोने जा रही हूँ। तो आपको ये व्लॉग ख़त्म होता है यार, गिर रही हूँ ना उसकी वजह से जाना उसका बस यार हो जाता है क्योंकि जिंदगी की है जो क्या मैं इतना नहीं करती जो है तो बात नहीं हो जाता ठीक हो जाएगा आपकी दुआ है ना। तो मुझे तो इजाज़त, मैं आपको मिलूँ थोड़ी देर में फिर थोड़ा सो भी आऊँगी थोड़ा देर व्लॉग बना लूँ। मुझे तो इजाज़त, मैं तो देर मिलती हूँ शॉपिंग। अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ऐसे देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो मुझे तो इजाज़त, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में एक नए व्लॉग के साथ। सो अल्लाह हाफिज़।